हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है बिहेवियर साइंस का। इसमें आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होता है, जो कि 2022 में हुआ है। और ये आपका पेपर जो होता है 75 मार्क्स का, 3 घंटे का होता है, और 25 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है, जो आपके कॉलेज से दी जाती है टीचर्स द्वारा। तो हो गया पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका। एंड अनाटमी, फंडामेंटल और कम्युनिटी का मैंने प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना। पहला जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का आया है, 4 क्वेश्चन, तो ये पूरे 4 नंबर के हैं। एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस। ठीक है, एटीट्यूड यानी किसी का भी जो दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है, किसी भी आइडिया, ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी बात को लेकर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड अपना अपना होता है सबका, तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। यानी कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, उस तरह आप समझ सकते हो इसको, इस वर्ड को, एटीट्यूड को, जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसका भी अपना स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब है, साइकी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस, तो जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की, माइंड की, स्पिरिट सोल की स्टडी करते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो उसको साइकोलॉजी कहते हैं। अगला है इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में लर्निंग, जजमेंट और जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, कॉग्निशन से रिलेटेड, हमारे ज्ञान, हमारी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित, वो इंटेलिजेंस होता है। और सभी का इंटेलिजेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। एक पूरा आप चैप्टर साइकोलॉजी में पढ़ते हो इंटेलिजेंस का, तो ये इनहेरिटेंट भी होता है। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी बातों को कैच कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरिटेंट भी हम इसको ले सकते हैं, और बाकी लर्निंग पे भी डिपेंड करता है ये चीज़। फिलिंग द ब्लैंक्स है एक एक नंबर के। फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलहेम वुडन जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी बताए जाते हैं। फादर आपसे सोशियोलॉजी के भी पूछ सकते हैं, साइकोलॉजी के भी। सोशियोलॉजी के पूछेंगे तो अगस्ट कामटे हैं, और इसके हैं विलहेम, ये स्पेलिंग है, और ये इसके वुडन, इस तरह से इनकी स्पेलिंग है। नॉर्मल आईक्यू ऑफ द इंडिविजुअल, तो 91 से 115 तक हम नॉर्मल आईक्यू लेते हैं। वैसे तो आईक्यू का पूरा एक चार्ट होता है, जिसमें आप 25, 30, फिर 30 से 35, इस तरह से आप पढ़ते हो इसको। लेकिन ये जो आईक्यू होता है ना, इसका पूरा चार्ट है, तो ये आप लर्न कर लोगे। उसी में हम नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं कि ये एवरेज होता है जी, एवरेज आईक्यू है, तो वो हम फिर नॉर्मल लिख लेते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा 85 से 110 भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी आप ऐसा भी लिख सकते हो। बुक्स अलग अलग आपको बुक्स में मिलेगा, अलग अलग आपको नेट में भी फिर अलग अलग मिल जाएगा, तो इसकी एक रीडिंग नहीं है, बट हाँ वो आसपास हो सकती है रीडिंग आईक्यू नॉर्मल वाले की। फिर है थ्रस्ट इज़ अ डैश मोटिव, एक हम चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा यूनिट पढ़ते हैं मोटिव वाली, जिसमें थ्रस्ट, हंगर, स्लीप, ये सारे फिजियोलॉजिकल मोटिव हैं, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस लिए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, है ना। वैसे खाना पीना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, तो कुछ चीज़ें जो है वो फिजियोलॉजिकल मोटिव में आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो पर्सनल मोटिव में आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सोशल मोटिव में आती हैं। तो हम इसके अलग से टाइप्स भी पढ़ते हैं मोटिव के, तो बट ये जो थ्रस्ट है वो फिजियोलॉजिकल मोटिव है। अगला है डैश इज़ द एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन, बार बार रिपीट करने से हम क्या लेते हैं, एक्वायर करते हैं, वो है हैबिट। हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिपीटेशन से बन जाती है। सुबह उठने की हैबिट है, पढ़ने की रोज़ हैबिट है, अलग अलग तरह की हैबिट्स है, तो वो रिपीटेशन से बनती है, वो ऐसे नहीं होता है। रिपीटेशन से हैबिट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये लाइन मिल ही जाएगी। अगला है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, एक मेंटल हेल्दी पर्सन है उसके विशेषताएँ बतानी है, तो वो आप लिखोगे, 4 नंबर का है। फिर है नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स फॉर्मेशन फॉर द नर्स, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का है। थोड़ा सा इसमें आपको लिखना होगा, यानी कि एक दो लाइन में आपका काम नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो भी टिप्स ट्रिक्स आप लिख सकते हो वो लिखोगे, और साथ में आप देख भी लेना बुक में। कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, जो भूल जाते हैं उसके क्या कारण हैं। फैक्टर्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट अटेंशन, ठीक है, ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन 30 नंबर का। नेक्स्ट है डिफाइन मोटिव, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल मोटिव, तो मोटिव मैंने अभी आपको बताया ही है ऊपर में,
कि कुछ नीड्स होती हैं वो मोटी में आते हैं, फिर उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल, बायो, सॉरी पर्सनल है, सोशल है, एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, और एक्सप्लेन करना है सिर्फ फिजियोलॉजिक वाले को जिसमें थ्रस्ट, हंगर, स्लीप और रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं ये सब आता है। तो ये इसलिए 5 नंबर का क्योंकि इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगला है लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, कुछ फैक्टर्स जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं वो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग वाला, काफ़ी बार आता है और मैं कहूँगी कि हर बार ही आ जाता है। फिर है नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के ना टाइप भी होते हैं जिसमें कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि चूज़ करने में किसी भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो होता है कन्फ्लिक्ट। फिर यहाँ पे टाइप्स पूछे हैं उसके। फिर एक्सप्लेन एनी टू कन्फ्लिक्ट अप्रोचेस विद एग्जांपल, उसमें एग्जांपल भी बताने हैं आपको, तो वो होता है। इसमें क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट में दो चीज़ें चूज़ करनी होती हैं तो उसमें पर्सन बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, उसका आपस में ही दिमाग झगड़ा करने लग जाता है, फाइट करने लग जाता है कि कौन सा वाला चूज़ करें। तो कन्फ्लिक्ट में ना एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, कि एक बच्चा है जो उसके टेस्ट है स्कूल में और उसने तैयारी नहीं की है तो वो स्कूल तो जाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो घर में अपने पापा से पिटेगा कि क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर स्कूल जाता है तो टेस्ट की तैयारी तो की नहीं तो मैडम से अपने पिटेगा। तो ये एक कन्फ्लिक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी। फिलिंग द ब्लैंक्स है नेक्स्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इज़ पास्ड ऑन, जो ये दहेज प्रथा वगैरह है इसको बंद करने के लिए एक एक्ट निकला है वो 1961 में है। इसको देखो कैसे याद करना है, बड़ा आसान है, मैंने इसको याद कर रखा है, मैं बताती हूँ। जैसे डी से है ना डॉरी, तो डी को हम 9 भी ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे, ठीक है, 9 भी ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे, आगे एक इस तरह से मैंने याद किया था तो मैंने आपको बता दिया, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये। और प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम है, ये एक सामाजिक समस्या है, जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उसमें सोशल प्रॉब्लम्स हम बहुत सारी पढ़ते हैं, तो वही है, ये सोशोलॉजी से लिया गया है ना ये। हाँ एक और चीज़ मैं बताती हूँ, सोशोलॉजी का थोड़ा कम आता है, साइकोलॉजी ज़्यादा आती है आपके पेपर में, जो ये बिहेवियर साइंस का है। द टर्म सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशियस, ये स्पेलिंग है, सोशियस वर्ड एक लैटिन वर्ड है वहाँ से लिया है, और सोशियोलॉजी जो वर्ड है LOG लोगोस वर्ड से लिया गया है, लोगोस जो है वो ग्रीक का शब्द है और ये लैटिन का है, अलग 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 भाषाओं से लिया है ये दो शब्द, उससे फिर मिलकर बना सोशियोलॉजी। अगला है आपका ड्रग एडिक्शन, ये भी आपका सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन है ड्रग एडिक्शन का, इसका आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि ड्रग एडिक्शन क्या है, इसमें लोग क्या क्या लेते हैं और ये किस तरह से ख़राब कर देती है शरीर को, कुछ कुछ ऐसा लिख देना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि रूट कॉज है हमारी पूरी दुनिया की समस्याओं का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कितनी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है, लोगों को रहने के लिए प्लेस नहीं मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से होती हैं, और साथ में जो एनवायरनमेंट है वो भी तो प्रदूषित होता है, लोगों के पास जैसे गाड़ियाँ इतनी इतनी हो गई हैं, पॉपुलेशन इतनी है तो सबके पास अपनी अपनी एक एक गाड़ी है, घर में 4 लोग हैं तो 2-2 गाड़ियाँ सबके पास पड़ी हुई हैं, सबके पास एक एक गाड़ी है, जो कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग हैं तो उनकी धुआं है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चीज़ें। मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी है जॉइंट फैमिली की, मेरिट और डीमेरिट पढ़ते हैं ना हम, तो अच्छी चीज़ें जो होती है ना वो मेरिट्स में आ जाता है, मेरिट्स बतानी है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको ना ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको चाइल्ड के राइट भी पूछ सकते हैं, वुमन्स के राइट भी पूछ सकते हैं, पर इसमें इंडिविजुअल का एक अलग से पूछा है, तो ये भी आप देखना सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, तो ये जो है ना इसमें है डिफाइन मैरिज एंड लिस्ट द टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज क्या है और उसके टाइप्स भी हैं, अलग अलग तरह से हम टाइप्स पढ़ते हैं इसमें, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री इस तरह हम पढ़ते हैं, तो टाइप्स आपको थोड़े से देख लेने अपनी बुक से वो लिखने हैं। और डिस्क्राइब मेडिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, तो ये मैरिज वाली आपका जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये थे आपका GNM का क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का, आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई हो,
और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको ज़रूर आप देख लेना। वैसे तो आप पढ़ते हो जो वो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।